हेलो सर। हाँ सर, ठीक ठीक है सर। कौन सी आगे, मकान की है जंगल की है? मकान की सर। थोड़ा नंबर अपना लिखाइए हमें। 7006807958। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। मैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विस कश्तवाड़ से बोल रहा हूँ सर, मैं इंचार्ज हूँ सर। मैं आपकी वसादत से लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। इन केस ऑफ जब कोई फायर एक्सीडेंट होता है सर, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त वो हमारे साथ कॉपरेशन करें, क्योंकि वो कीमती टाइम होता है। जितना वो कॉपरेशन हमसे करेंगे तो उतना नुकसान कम हो जाता है। दूसरी बात सर, ये हमारा फर्ज भी बनता है, जब भी कहीं आग होता है तो हम विद नो टाइम निकलते हैं यहाँ से। अलबत्त कुछ चीज़ है इसमें,
मतलब आप सबको सर पता है कि गाड़ियों के पास जो लोगों के पास जो गाड़ियां हैं वो बीच में रखते हैं, वो ये ख्याल नहीं रखते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ये मेरे घर में भी हो सकता है या आपके घर में भी हो सकता है, कि वो पार्किंग में अपनी गाड़ियां रखें। खास दूसरी बात यह है कि जो हमारे घरों में जो पुराना सामान होता है या गैस सिलेंडर या कोई वो ऊपर वाले मंजिल में रखते हैं, तो आपकी वसादत से उनको मैं बोलता हूं कि जितना वो इन चीजों से एहतियात करेंगे उतना वो अपना आपको सेफ रखेंगे। तो सर यही है हमारी आज ये इन लोगों को सर किश्तवाड़ जिले का मैसेज रहेगा। सर असल में तो ये तो बदकिस्मती है कि जब भी आग लगती है तो ये समझते हैं फायर सर्विस तो यूं ही आ रहा है, मगर उनको पता नहीं हमारा सरमाया जो है वो मकान है या हमारे जान का भी खतरा हो सकता है। उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फायर सर्विस को जितना उनको मतलब कोशिश करें उनको रास्ता छोड़े। दूसरी बात यह है कि यहां पर ये हिली एरिया है और वाटर सोर्सेज बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि वाटर सोर्सेज जो हमने देखे हैं बाकी डिस्ट्रिक्टों से। और तीसरी बात यह है स्टेशन भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर आलू फार्म तक, जिसको आलू फार्म बोलते हैं, मतलब यहाँ से जब गाड़ी जाएगा तो 70 किलोमीटर उसको पहले करना है, यहाँ 60 किलोमीटर है, तो हिली एरिया भी है। तो यहाँ पर एक ही स्टेशन है प्रॉपर इधर डिस्ट्रिक्ट मतलब हेडक्वार्टर में जहाँ पर ये डीसी ऑफिस है। सर ये प्रॉब्लम भी होते हैं, खासकर हमें लोगों को ये मोतबाना गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ी साइड में रखे चाहे दिन हो या रात हो, और जितना वो एहतियात करेंगे उतना इन मुसीबतों से वो भी बचेंगे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया।